अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हयात अफरीदी और आप देख रहे हैं हयात अफरीदी व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर का सैर कराऊंगा। स्टे ट्यून। ये ग्लेशियर्स कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बान से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको खूबसूरत रोड मिलेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1,98,000 ग्लेशियर्स हैं, जिसमें 7,253 पाकिस्तान में हैं, जबकि ओनली 122 स्विट्जरलैंड में हैं। बान से आते हुए जब आप ये 2 घंटे का फासला तय करते हैं तो आपको हर तरफ ग्रीनरी, सफाई और बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रास्ते में ऐसे टनल भी मिलेंगे जहाँ पे लाइट नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर कार पार्किंग भी मिलेगा। आपको कैंपिंग के लिए कैंप वैगन भी मिलेगा। ट्वेंटी फ्रेश वाटर स्विट्जरलैंड में आपको इन्हीं ग्लेशियर्स का मिलेगा। स्विस गवर्नमेंट इन ग्लेशियर्स से भरपूर फायदा ले रही है, क्योंकि एक तरफ ये ग्लेशियर्स डैम के लिए भी इस्तेमाल होता है तो दूसरी तरफ ये टूरिस्ट के लिए भी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर पहुंचकर मुझे ये एहसास हुआ पाकिस्तान में इनसे कई खूबसूरत ग्लेशियर्स हैं, लेकिन नामनासिब सहूलियात की वजह से टूरिस्ट वहाँ नहीं पहुँचते, और जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं अनफॉर्चुनेटली दोबारा वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करते। इसकी वजह वहाँ पर नामनासिब सहूलियात और गवर्नमेंट की तरफ से अदम तवज्जो है। और आखिर में मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले दिनों में आपको और बहुत खूबसूरत व्लॉग देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।